रिपोर्टर ने काव्या के दोस्तों से पूछा जो उसके बगल में थे वे नहीं है लेकिन मैं हूँ चूपेह ने कहा तुम भी परिचित लग रहे हो क्या आपने पहले कभी किसी टीवी शो में भूमिका निभाई है रिपोर्टर ने पूछा उस प्रश्न को सुनकर कई लोगों की आंखें घूम गई क्योंकि वह जब भी किसी अच्छे दिखने वाले छात्र को देखता था तो हमेशा वही प्रश्न पूछता था हाँ लेकिन कुछ समय पहले की एक लोकप्रिय फिल्म में यह एक महत्वहीन भूमिका है चूपेह ने कहा उसका इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि मनोरंजन उद्योग में शामिल होने का लक्ष्य रखने वाले अधिकांश लोग पहले एक्स्ट्रा कलाकार थे उनका जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया क्या आप मुझे नाम बता सकते हैं रिपोर्टर को भी दिलचस्पी हो गई क्योंकि उसे सच में लगा कि चू पेहान परिचित लग रहा था अन्यथा उसने उससे यह सवाल नहीं पूछा होता एक मनोरंजन पत्रकार के रूप में उन्हें निश्चित रूप से मनोरंजन उद्योग की घटनाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए इसलिए उन्हें कई टीवी शो और फिल्में जरूर देखनी चाहिए खासकर लोकप्रिय फिल्में निर्देशक लू द्वारा निर्देशित इन्फिनेट हॉरर मैं पुरातत्व टीम के छात्रों में से एक था चूपेहान ने कहा अनंत भय उन्होंने इन्फिनेट हॉरर में एक भूमिका निभाई है यह आश्चर्यजनक है वह फिल्म काफी डरावनी और लोकप्रिय है मैंने भी इसे देखा है और मैं लगभग डर के मारे पेशाब कर देता हूँ मेरा दोस्त एक लड़की के साथ इसे देखने गया जिसकी वह प्रशंसा करता था और फिल्म खत्म होने के बाद वह लड़की उसकी प्रेमिका बन गई लोग उत्साहित हो गए और एक साथ फिल्म के बारे में बात करने लगे चूंकि यह बहुत लोकप्रिय था इसलिए कई लोगों पर इसकी गहरी छाप पड़ी दुर्भाग्य से यह बहुत डरावना था इसलिए बहुत से लोग महत्वहीन अभिनेताओं के चेहरे याद नहीं रख सके परिणाम स्वरूप चू पेहान को देखकर किसी ने भी उसे नहीं पहचाना जब चू पेहान ने उन्हें बताया कि वह पुरातत्व टीम में छात्रों में से एक थी तो कई लोगों को उसका चेहरा और नाम याद आ गया ओह मुझे पता है तुम कौन हो आपका नाम चू पेहान है ठीक है रिपोर्टर ने पूछा हालांकि जवाब उसके दिमाग में पहले से ही था हां चू पेहान ने कहा फूजियाक्स्याओं ने फिल्म नहीं देखी थी लेकिन उसने इसके बारे में बहुत कुछ सुना था उसे आश्चर्य हुआ कि चू पेहान को इतनी लोकप्रिय फिल्म में भूमिका मिल सकी भले ही भूमिका महत्वपूर्ण नहीं थी फिर भी वह नाखुश थी नामांकन के लिए निकलने से पहले काव्या और उनकी सहेलियों ने पत्रकारों से ज्यादा देर तक बात नहीं की फूजियाओक्सियाओ भी गुस्से में चला गया क्योंकि फूजियाओक्सियाओ पहले ही मनोरंजन उद्योग में शामिल हो चुकी थी उसके पास अब एक सहायक था हालांकि उसने किसी भी कंपनी के साथ कोई समझौता नहीं किया था एक बार जब वे चले गए तो उसके सहायक ने उसका बचाव किया वे पत्रकार बिल्कुल भी पेशेवर नहीं है वे अभी आपका साक्षात्कार ले रहे थे वे तुम्हें आधे रास्ते में कैसे छोड़ सकते हैं ठीक है अपनी आवाज धीमी रखो मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग सुनें और इसे मुद्दा बनाएं हालांकि फूजियाओक्सियाओ बहुत पागल थी उसे अपनी वास्तविक भावनाओं को सार्वजनिक रूप से छिपाना पड़ा अब उसके पास पहले से ही कुछ प्रसिद्धि है इसलिए उसे बाहर सावधान रहना चाहिए चूंकि ने ऐसा कहा उसके सहायक ने इसके बारे में बात करना बंद कर दिया काव्या और उसके दोस्तों के चले जाने के बाद रिपोर्टर जिसने सोचा कि वह परिचित लग रही थी अभी भी सोच रहा था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था अपनी नौकरी के कारण उसे कई जाने पहचाने चेहरे नजर आए लेकिन काव्या ने उसे एक खास एहसास कराया आप क्या सोच रहे हैं उसके सहकर्मी ने पूछा क्या आप जानते हैं कि वह लड़की कौन है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह इतनी परिचित लगती है रिपोर्टर ने पूछा क्या यह सचमुच अजीब है हम हर दिन कई परिचित चेहरे देख सकते हैं उनके सहयोगी ने सहजता से कहा नहीं वह विशेष है रिपोर्टर ने कहा ओह क्या वह लड़की देवी गु नहीं है वह देवी गु जैसी ही दिखती है ठीक इसी क्षण एक लड़की की उत्तेजना भरी चीख सुनाई दी और रिपोर्टर को अंततः याद आया कि उसने काव्या को पहले कहाँ देखा था यह पता चला है कि वह इंटरनेट पर प्रसिद्ध देवी गु है इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लगा कि वह बहुत परिचित लग रही थी कितनी शर्म की बात है कि मैंने उसका साक्षात्कार लेने का अच्छा मौका नहीं गवाया रिपोर्टर ने कहा क्योंकि काव्या पहले से ही बहुत दूर थी क्या वह देवी गु है उनके सहकर्मी भी हैरान रह गए उन्होंने काव्या की उपलब्धियों के बारे में सुना था लेकिन ज्यादा नहीं इसलिए वे अभी उसे पहचानने में असल रहे फिल्म अकादमी में कई लोग इधर उधर अधिक लोगों से घिरे हुए थे और उनमें से अधिकतर कुछ प्रसिद्धि वाले नए अभिनेता थे काव्या और उसकी सहेलियां अधिक परेशानी का सामना किए बिना नामांकन के लिए चुपेहान के साथ गई उन्होंने केवल बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया और रास्ते में कुछ निर्दयी नजरें भी डाली जब वे छात्रावास में गए न्यू के नीचे इंतजार कर रहा था क्योंकि वह एक लड़का था चुपेहान के समान छात्रावास के कमरे में अन्य लड़कियां पहले से ही मौजूद थी और केवल एक ऊपरी बिस्तर बचा था चुपेहान को नहीं लगा कि यह कोई बुरी बात है क्योंकि उसे नीचे सोना पसंद नहीं था साधारण सफाई के बाद वे चले गए अप्रत्याशित रूप से काव्या और उसके दोस्तों ने एक बूढ़े व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया काव्या को लगा कि बूढ़े ने उसे पहचान लिया होगा लेकिन यह अजीब नहीं था वास्तव में वह आदमी बहुत बूढ़ा नहीं था उसकी उम्र साठ से अधिक होगी और वह अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ था उन पर कई बार नजर डालने के बाद बूढ़ा व्यक्ति उनकी ओर चला गया वहीं वहां से गुजर रहे कई छात्रों ने आश्चर्य जताया वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि ये नए लोग प्रोफेसर गुपोर जानते थे यदि ऐसा है तो इससे हर किसी को ईर्ष्या महसूस होगी क्योंकि प्रोफेसर गो कैपिटल फिल्म में सबसे सम्मानित शिक्षक थे उनके प्रत्येक छात्र का भविष्य बहुत उज्जवल था भले ही उनके सभी छात्र मनोरंजन उद्योग में शामिल नहीं हुए लेकिन उन्होंने स्क्रीन के पीछे एक महान स्थान रखा इसलिए कई छात्र चाहते थे कि प्रोफेसर गो उन्हें पढ़ाएं लेकिन प्रोफेसर गो के लिए एक छात्र को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था प्रोफेसर गो का ध्यान और अनुमोदन पाने के लिए व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली होना चाहिए इसके अलावा प्रोफेसर बु के मनोरंजन उद्योग में बहुत अच्छे संबंध थे जब तक एक छात्र को उनका समर्थन प्राप्त होता है तब तक उसे फिल्मों या टीवी शो में महान भूमिकाएं निभाने के अनंत अवसर मिल सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोफेसर गु एक विश्वसनीय शिक्षक थे और उन्हें अंधे नियम पसंद नहीं थे क्या आप काव्या है बूढ़े ने सीधे काव्या से पूछा हालांकि यह एक प्रश्न था ऐसा लग रहा था कि उसके पास पहले से ही सकारात्मक उत्तर था और वह बस काव्या के मुंह से उत्तर सुनने का इंतज़ार कर रहा था बूढ़े व्यक्ति ने काव्या की अधिकांश उपलब्धियों के बारे में सुना था और वह उसकी बहुत प्रशंसा करता था हाँ मैं हूँ काव्या ने कहा क्या आप नामांकन के लिए अपने मित्र के साथ गए थे बूढ़े ने फिर पूछा दरअसल उन्हें पता था कि काव्या को कैपिटल यूनिवर्सिटी स्वीकार कर लिया था हाँ काव्या ने कहा फिर उसने विनम्रता से पूछा क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ मैं कैपिटल फिल्म गुग्वांगमियाओं के अभिनय विभाग में प्रोफेसर हूँ बूढ़े ने अपना परिचय दिया आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रोफेसर गो काव्या ने उसकी आवाज़ सुनकर उसका अभिवादन किया चू पेहान और उसके अन्य दोस्तों ने भी उनका स्वागत किया तो फिर आप में से कौन यहाँ नामांकन के लिए आया है गो ने पूछा यह मैं हूँ प्रोफेसर गो चू पेहान ने कहा आपका क्या नाम है गुगवामियाओ से पूछा मेरा नाम चू पेहान है चू पेहान ने कहा चूपेहान मुझे लगता है कि मैंने यह नाम पहले भी सुना है वैसे कला परीक्षा में आपका स्तर क्या है और आप कितने अंकों के साथ स्कूल में दाखिल हुए गुग्वाओं ने पूछा यह सुनकर काव्या और उसकी बाकी सहेलियां थोड़ी हैरान हो गई उन्होंने सोचा कि प्रोफेसर गुने शायद चू पेहान का नाम सुना है क्योंकि परीक्षणों में उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट था यह सच था परीक्षणों में चू पेहान के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण गुग्वांगओं ने अन्य शिक्षकों की चर्चा से उसका नाम सुना था लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया नतीजा यह हुआ कि उस पर उस पर कोई गहरी छाप नहीं पड़ी चुपेहान ने शांति से कहा मेरा कला परीक्षण स्कोर ए है और संस्कृति स्कोर छह सौ तिरपन अंक है इतने उत्कृष्ट परिणामों के कारण उसने अधिक गर्व और आत्मसंतुष्टि नहीं दिखाई बहुत अच्छा आप इस वर्ष के शीर्ष छात्रों में से हैं गुग्वांग्मियाओं ने संतुष्टि के साथ कहा आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद प्रोफेसर गुग चुपिहान मुस्कुराया वह अपनी फिल्म अकादमी में एक बेहद सम्मानित प्रोफेसर से सराहना पाकर बहुत खुश थी ओह क्या आपने पहले कभी कोई भूमिका निभाई है गुग्वांगओं ने फिर पूछा मैंने इन्फिनिट हॉरर में एक महत्वहीन भूमिका निभाई है भूमिका का नाम फेफी है मैं पुरातत्व टीम के छात्रों में से एक था चू पेहान ने कहा इन्फिनिट हॉरर में फेफी नाम की लड़की है मैंने फिल्म देखी है आपका अभिनय बुरा नहीं है वो ग्वांग्मियाओं ने आश्चर्य से कहा और वह चू पेहान के प्रदर्शन से अधिक संतुष्ट महसूस कर रहे थे चू पेहान फिर से प्रोफेसर गु की स्वीकृति पाकर खुश थी लेकिन उसने अपने चेहरे पर अपनी वास्तविक भावनाएं नहीं दिखाई धन्यवाद प्रोफेसर गो आपकी स्वीकृति पाना मेरे लिए सम्मान की बात है मैं एक बेहतरीन अभिनेत्री बनने की पूरी कोशिश करूंगी अगर चू पेहान को गुग्वाग्मियाओं की स्थिति और प्रतिष्ठा का पता होता तो वह निश्चित रूप से अभी की तुलना में कहीं अधिक खुश महसूस करती बहुत बढ़िया मुझे विश्वास है कि आप यह कर सकते हैं खैर मुझे आपका अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए आप अब जा सकते हैं गुगुआंगमियाओ ने कहा फिर मिलेंगे प्रोफेसर गो उन्होंने गुगुआंगमियाओ को अलविदा कहा और एक साथ चले गए एक बार जब काव्या और उसकी सहेलियां चली गई तो एक पुरुष शिक्षक प्रोफेसर गु के पास गया प्रोफेसर गु क्या वह आपकी रिश्तेदार है यह कोई रहस्य नहीं था कि गु गुंग्मियाओं को आमतौर पर अपनी मर्जी से छात्रों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी इसलिए इस शिक्षक ने सोचा कि वे रिश्तेदार होंगे वास्तव में नहीं वह एक नवसिख हुआ है सफेद कपड़ों वाली लड़की का नाम काव्या है वह एक प्रतिभाशाली है इस वर्ष नेशनल कॉलेज प्रवेश परीक्षा में पूर्ण अंक के साथ उसे पहले ही कैपिटल यूनिवर्सिटी मिल गया था उसमें भी महान क्षमताएं हैं उन्होंने बहुत कम उम्र में अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और अब अरबती है मैंने उसके बारे में बहुत सी खबरें पढ़ी हैं इसलिए जब मैंने उसे अभी देखा तो मैंने उसका अभिवादन किया गुग्वांग ने कहा क्या वह काव्या है उसने बहुत कम उम्र में अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और अब अरपती है जिसे सुनकर पुरुष टीचर हैरान रह गए वह जानता था कि इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्कोरर काव्या थी लेकिन वह नहीं जानता था कि वह बहुत अमीर थी सही गुग्वांग ने कहा काव्या और उसकी सहेलियां ज्यादा दूर नहीं चली थी कि दो लड़कियों ने उनका रास्ता रोक लिया लेकिन वे आक्रामक नहीं थी इसके बजाय वे काफी उत्साहित थे आपको बाधित करने के लिए खेद है क्या आप प्रोफेसर गु के रिश्तेदार हैं एक लड़की ने चूपिहान से पूछा मैं नहीं हूँ चूपेहान को लगा कि यह अजीब है उसने प्रोफेसर गु से थोड़ी देर बात की थी उन्होंने उसे अपना रिश्तेदार क्यों बना लिया बिल्कुल नहीं यदि नहीं तो उसने आपसे इतनी देर तक बात क्यों की एक अन्य लड़की ने कहा और इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया उसने सोचा कि चू पेहान उनके चेहरे पर झूठ बोल रहा था चू पेहान ने अपनी आंखें घुमाई क्या प्रोफेसर गु अपने रिश्तेदारों के अलावा अन्य लोगों से बात नहीं कर सकते चू पेहान की नजर में वे अजीब लोगों का एक समूह थे हालांकि काव्या को एहसास हुआ कि प्रोफेसर गु इस स्कूल में बहुत खास हो सकते हैं क्योंकि जब प्रोफेसर गो उनसे अपनी मर्जी से बात करने गए तो सभी हैरान रह गए लड़की ने कहा हम सभी जानते हैं कि प्रोफेसर गो का चरित्र बहुत अजीब है और वह कभी भी छात्रों से अपनी मर्जी से बात नहीं करते जब तक कि यह उनकी कक्षाओं में न हो यदि आप प्रोफेसर गो के रिश्तेदार नहीं हैं तो आपके माता पिता को उन्हें अवश्य जानना चाहिए वैसे भी उनका मानना था कि चूपेहान प्रोफेसर गो का परिचित होना चाहिए चू पेहान ने अंततः उनका अर्थ समझ लिया उनका बस यही मानना था कि प्रोफेसर गो के साथ उसका रिश्ता था और उसी के जरिए वह स्कूल में दाखिल हुई चुपेहान पूरी तरह से अप्रसन्न था और उसने उपहास करते हुए कहा हम प्रोफेसर गो के रिश्तेदार नहीं हैं और यह हमारी उनसे पहली मुलाकात है मानो या न मानो हमें अब जाना होगा उसके बाद चुपेहान ने काव्या को खींच लिया और चला गया उसके बाद म्यू के और यू मिक्सी चले गए दोनों लड़कियों ने उन्हें नहीं रोका लेकिन उनके चले जाने के बाद उनमें से एक ने तिरस्कार पूर्वक कहा मैं उसकी बातों से सहमत नहीं हूं वह प्रोफेसर गो को अवश्य जानती होगी यह कोई बड़ी बात नहीं है भले ही वह प्रोफेसर गो को जानती हो फिर भी वह उनकी शिष्या नहीं बन सकती यह लड़की स्पष्ट रूप से चू पेहान से ईर्ष्या करती थी काव्या ने लड़की की बातें सुनी और उसे तुरंत पता चला कि प्रोफेसर गो बिल्कुल भी सरल नहीं थे बिना देर किए उसने अपना फोन निकाला और इंटरनेट पर उसके बारे में जानकारी खोजी आमतौर पर किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध प्रोफेसर का इंटरनेट पर बुनियादी परिचय का एक पेज होता था उसके बारे में जानकारी पढ़कर काव्या हैरान रह गई उसे आश्चर्य हुआ कि गुग्वांगमियाओं की बहुत प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा थी चू पेहान आज तुम बहुत भाग्यशाली हो काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा वह चू पेहान के लिए खुश महसूस कर रही थी क्योंकि गुग्वांग्वियाओं ने उसकी तारीफ की थी तुम किस बारे में बात कर रहे हो चू पेहान भ्रमित था इसे अपने लिए पढ़े काव्या ने सीधे अपना फोन चू पेहान को सौंप दिया और चू पेहान ने तुरंत उसे ले लिया गुग्वांग्वियाओं के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद चूपेहान रोमांचित हो गया जी सस प्रोफेसर गो फिल्म उद्योग में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मैं सचमुच आज बहुत भाग्यशाली हूं हालांकि प्रोफेसर गो ने अभी, -अभी उसकी तारीफ़ की थी चुपेहान को लगा कि वह काफी भाग्यशाली है ठीक है अगर प्रोफेसर गो आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार है तो यह सबसे अच्छा होगा यदि नहीं तो उनकी सलाह लेना भी अच्छी बात है काव्या ने कहा चूंकि इंटरनेट पर यह कहा गया था कि गुग्वांग्मियाओं के पास अपने शिष्यों के लिए बहुत ऊंचे मानक थे काव्या को यकीन नहीं था कि चू पेहान गुग्वांग्ओं को उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने दे सकता है हालांकि चू पेहान के प्रति गुग्वांग्मियाओं के रवैये को देखते हुए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना मुश्किल नहीं होना चाहिए आखिरकार चू पेहान बहुत उत्कृष्ट था सही है यह सबसे अच्छा होगा यदि प्रोफेसर गु मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो चू पेहान ने बड़े उत्साह के साथ कहा क्योंकि उनका लक्ष्य केवल रुचि के कारण अभिनेत्री बनना था उन्हें प्रसिद्धि या धन पाने की कोई चिंता नहीं थी इसके अलावा किंगोआ संगठन के तहत एक मनोरंजन कंपनी थी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि छू पेहान किस तरह के शो में शामिल होना चाहती थी उसके लिए ऐसा करना बहुत आसान था उन्हें दूसरी अभिनेत्रियों से मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं थी आमतौर पर यदि कोई छात्र एक सम्मानित कला प्रोफेसर की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है तो उसे अभिनय के प्रति शुद्ध प्रेम होना चाहिए ताकि वह इसका सार दिखा सके जो लोग प्रसिद्धि या धन प्राप्त करना चाहते थे उन्होंने अभिनय को केवल एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया इसलिए इसका अर्थ खो जाएगा इसलिए काव्या ने सोचा कि चू पेहान के लिए गुग्वांग्वियाओं का शिष्य बनना अभी भी संभव है लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा एक गुरु को एक शिष्य को स्वीकार करने के लिए हमेशा लंबे समय की आवश्यकता होती है सभी कला गुरु उन लोगों को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार करना पसंद करते हैं जिनके पास नैतिक सिद्धांत अभिनय कौशल और अभिनय के प्रति शुद्ध प्रेम है मैं जानता हूँ की आप उपरोक्त सभी कार्य करने में सक्षम है लेकिन फिर भी आपको अपने व्यवहार पर अधिक ध्यान देना चाहिए आखिरकार आप मनोरंजन उद्योग में शामिल होने जा रहे हैं इसलिए आप अन्य लोगों पर बुरा प्रभाव नहीं छोड़ सकते नेहसन्देह जब आप परेशानी का सामना करते हैं तब भी आप आक्रामक हो सकते हैं काव्या ने कहा वह समझ गई कि चू पेहान बहुत चतुर था और यह बात अच्छी तरह से जानता था लेकिन उसने सोचा कि उसे उसे वैसे भी याद दिलाना चाहिए मैं समझता हूँ मैं अधिक सावधान रहूंगा चूपेहान ने कहा उसने नहीं सोचा था कि काव्या उसके व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रही थी बल्कि उसे यह महसूस हुआ क्योंकि काव्या को उसकी परवाह थी मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ इसलिए मैं भोजन का बिल बाद में चुकाऊंगा चू पेहान ने कहा महान उनमें से कोई भी चूपेहान को भोजन का भुगतान करने में संकोच नहीं करेगा क्योंकि वे सभी करीबी दोस्त थे भरपूर भोजन करने के बाद उन्हें घर वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उन सभी को कल अपने विश्वविद्यालयों में जाना था जब तक कोई विशेष स्थिति न हो या सप्ताहांत न हो वे अपना स्कूल नहीं छोड़ सकते थे इसलिए वे इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे और आनंद लेना चाहते थे चुपेहा ने काव्या को उन्हें एक मनोरंजन आर्केड में ले जाने के लिए कहा और काव्या सहमत हो गई हालांकि वह नहीं जानती थी कि मनोरंजन आर्केड कहाँ है इसलिए उसने इंटरनेट पर इसकी खोज की एक मिलने के बाद वे वहां गए वहां कई मनोरंजन आर्केड थे इसलिए वे निकटतम में चले गए एक मनोरंजन आर्केड में हमेशा भीड़ रहती थी और अधिकांश ग्राहक युवा लोग थे मनोरंजन आर्केड का पैमाना बहुत बड़ा था लेकिन यह उच्च दर के साथ जुए से संबंधित कुछ भी प्रदान नहीं करता था क्योंकि यह कानून के अनुसार निषिद्ध था खासकर राजधानी में जहां सख्त नियम थे बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में मनोरंजन आर्केडों ने कानून तोड़ने की हिम्मत नहीं की लेकिन शहर के केंद्र से दूर वाले क्षेत्रों में यह सेवा प्रदान की गई सजा से बचने के लिए शहर का केंद्र इतना दृश्यमान था व्यवसायी भी इसे अच्छी तरह से जानते थे सरकार भी लेकिन सरकार हर दिन विस्तृत निरीक्षण नहीं करती थी यदि सरकार ऐसा करती तो वे कारोबारी अवैध कारोबार में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि उन व्यवसायियों ने ऐसा करने का साहस किया उन्हें पता था कि सरकार इस पर आंखें मूंद लेगी दरअसल अगर उन्हें सरकार का समर्थन होता तो निरीक्षण से पहले ही उन्हें जानकारी मिल जाती ताकि वे इसके लिए तैयार हो सके इसलिए यद्यपि वे सभी निरीक्षणों से बच नहीं सकते थे फिर भी वे अधिक सुरक्षित होंगे काव्या और उसकी सहेलिया दक्षिणी जिले के डाउनटाउन क्षेत्र में एक मनोरंजन आर्केड में गई उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और कोई अवैध जुआ खेल नहीं पाया न्यूके ने जाकर खेल मुद्रा के 400 युआन का आदान प्रदान किया जिसे चार भागों में विभाजित किया गया था उनमें से प्रत्येक के पास सौ युआन थे वे जो भी खेल खेलना चाहते थे उन्होंने खेला और पंजा मशीनों से शुरुआत की दुर्भाग्य से चूंकि पंजा विशेष रूप से डिजाइन किया गया था इसलिए गुड़िया को पकड़ना काफी कठिन था उनमें से प्रत्येक ने अंतः एक बार जीतने के लिए तीन बार प्रयास किया था काव्या को दो गुड़िया मिली जो पहले से ही बेहद भाग्यशाली थी कुछ लोगों को दस बार प्रयास करने के बाद भी गुड़िया नहीं मिल पाती काव्या की मानसिक उम्र पहले से ही तीस वर्ष थी और उसे गुड़ियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी इसलिए उसने अपनी गुड़िया चूपेहान और यू मिक्सी को दे दी चू पेहान और यू मिक्सी केवल 18 वर्ष के थे इसलिए वे अभी तक बहुत परिपक्व नहीं थे और उन्हें प्यारी छोटी गुड़िया पसंद थी उन्होंने रास्ते में खेल खेले फिर स्लॉट मशीनें देखी लेकिन यह पुरस्कार पूल सिटी किरिन गैंग द्वारा नियंत्रित मनोरंजन आर्केड जितना नहीं था हालांकि यह अभी भी आम लोगों के लिए बहुत कुछ था और इसे होना चाहिए एक मिलियन युवा हो बहुत से लोग स्लॉट मशीनें खेल रहे थे लेकिन केवल कुछ ही लोग कुछ पैसे जीत सके आखिरकार यह एक आसान खेल नहीं था लेकिन इसके पुरस्कार पूल ने अनगिनत खिलाड़ियों को आकर्षित किया जो तुरंत बड़ी रकम जीतने की इच्छा रखते थे हम स्लॉट मशीनें क्यों नहीं खेलते चू पेहान ने कहा वह जानती थी कि यह कठिन है लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की वे यहां मौजमस्ती करने आए थे इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जीते या हारे क्योंकि वहां बहुत सारे खिलाड़ी थे इसलिए उन्हें कुछ देर और इंतजार करना पड़ा इससे पहले कि वे स्लॉट मशीनों पर खेले उन्हें पहले चिप्स के बदले गेम के सिक्कों का आदान प्रदान करना होगा स्लॉट मशीनों के लिए उपयोग किए जाने वाले चिप्स सामान्य गेम के सिक्कों से भिन्न थे काव्या इस बार ऐसा करने गई और उसने चिप्स के लिए चार युआन का भुगतान किया प्रत्येक चिप दस युआन के बराबर थी काव्या ने इस बार सभी दस लाइनें खरीदने और अपने दोस्तों को उत्साहित करने के लिए पैसे कमाने का फैसला किया स्लॉट मशीनें खेलने के लिए काव्या और उसकी सहेलियां एक दर्जन मिनट से अधिक समय तक लाइन में प्रतीक्षा करती रही चूंकि वे एक साथ आए थे इसलिए उन्होंने अलग अलग मशीनों से खेलने की जहमत नहीं उठाई और एक ही मशीन से खेलना चुना जब वे लाइन में इंतजार कर रहे थे कोई भी स्लॉट मशीन से पैसे नहीं जीत सका दरअसल हर दिन इसे खेलकर केवल एक या दो लोग ही पैसे जीत सकते थे इसके अलावा वे इससे केवल थोड़ी सी धनराशि ही जीत सके लेकिन हो सकता है कि उन्होंने खेल के लिए बहुत अधिक धनराशि चुकाई हो चुपेहान ने सबसे पहले स्लॉट मशीन खेली उसने दस लाइनें खरीदी लेकिन फिर भी अंत में विफल रही और सौ युआन खो गई न्यू के और यू मिक्सी के साथ भी यही हुआ मनोरंजन आर्केड में खिलाड़ियों के अलावा कई दर्शक भी थे हर कोई जानता था कि स्लॉट मशीन खेलकर पैसे जीतना कठिन है और यह पहले से ही बहुत भाग्यशाली था अगर कोई सौ में से कई बार कुछ पैसे जीत सके लेकिन जब भी स्लॉट मशीन खेलने वाले लोग होते थे तो दर्शक घबरा जाते थे और प्रत्याशा से भरे होते थे निश्चित रूप से क्योंकि यह एक कठिन खेल था उन्हें उम्मीद थी कि कोई सफल होगा हालांकि यदि कोई सफल हुआ तो वे ईर्षा से हरे हो जाएंगे आगे काव्या की बारी थी उसने दस लाइनें भी खरीदी उसने स्पिन खींची और स्लॉट मशीन काम करने लगी चुपेहान और उसके अन्य दोस्तों को भी उम्मीद थी कि काव्या जीत सकती है लेकिन वे जानते थे कि संभावना बहुत कम थी सभी स्लॉट मशीनें विशेष रूप से खेल के लिए डिज़ाइन की गई थी इसलिए बहुत सारा पैसा जीतना लगभग असंभव था जो कि चालाक व्यापारियों द्वारा खेली गई चाल थी यदि प्रत्येक खिलाड़ी पैसा जीतने में सक्षम होता तो व्यवसायी बहुत कुछ खो देते जुआ एक बहुत ही लाभदायक उद्योग था इसलिए व्यवसायियों के लिए पैसा खोना असंभव था शायद एक निश्चित खेल खिलाड़ी खेल एक बार बड़ा पुरस्कार जीत सकता था लेकिन इसका उपयोग केवल अधिक लोगों को खेल खेलने के लिए आकर्षित करने के लिए किया गया था ज्यादातर मामलों में तथाकथित बड़े पुरस्कार का निर्देशन और संचालन कर्मचारियों द्वारा किया जाता था कुल मिलाकर यह मनोरंजन आर्केड किरिन गिरोह द्वारा नियंत्रित आर्केड से भी अधिक घटिया था स्लॉट मशीन की विशेष प्रणाली के कारण काव्या पुरस्कार पूल जीतने में सक्षम नहीं हो सकी लेकिन उसे पैसे जीतने का विश्वास था वह नहीं जानती थी कि वह कितनी धनराशि जीतने वाली है काव्या ने अपने सारे चिप स्लॉट मशीन में डाल दिए सिस्टम द्वारा शर्त की पुष्टि करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर एक बड़ा स्टार्ट ट्रॉम्प दिखाई दिया जो दर्शाता है कि खिलाड़ी गेम शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन टैप कर सकता है बिना देर किए काव्या ने स्पिन खींची और स्लॉट मशीन तेज आवाज के साथ चालू हो गई जबकि सभी दस रीले एक ही समय में तेजी से चलने लगी अपनी जेड़ आंखों के साथ काव्या यह गणना करने में सक्षम थी कि विभिन्न बाधाओं की तस्वीरें एक निश्चित स्थिति पर कब गिरेंगी जब समय हुआ तो काव्या ने झट से लाल स्टॉप बटन दिया स्लॉट मशीन ऐसी आवाज के साथ रुकी जैसे किसी ने अभी अभी ब्रेक मारा हो और दस रीले धीरे धीरे बाएं से दाएं एक एक करके रुक गई सभी का ध्यान स्क्रीन पर था हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि काव्या जीत सकती है फिर भी उन्हें कुछ अलग देखने की उम्मीद थी चुपेहा ने भी उस पर अपनी नजरें गड़ा दी और कहा लाइना 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 दुर्भाग्य से पहली और दूसरी रील पर चित्र पंक्तिबद्ध नहीं थे यह कोई आश्चर्यजनक परिणाम नहीं था इसलिए लोग निराश नहीं हुए हालांकि तीसरी रील पर चित्र पंक्तिबद्ध है वाह वे लाइन में लगे हैं यह देखकर हर कोई उत्साह से चिल्लाया विशेषकर चूपेहान जो लगभग उछल पड़ा जीसस बाधाओं का समय चार गुना है जिसका मतलब है चार हजार युवांग उसने केवल सौ युआन के साथ चार हजार युवांग जीते यह आश्चर्यजनक है सही फिर भी यह अभिक्म नहीं हुआ था और स्क्रीन पर और भी तस्वीरें आ गई अंत में चित्र पाँच रीलों पर पंक्तिबद्ध हो गए अर्थात पांच सौ बार दो बार सात बार और नौ सौ बार दस युवा का 200 सौ गुना दो युआन था इसलिए काव्या ने कुल मिलाकर दो युआन कमाए हर कोई हैरान था और उत्साह से चिल्ला रहा था जिससे फर्श पर अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ अधिक से अधिक लोग वहां पहुंचे और परिणाम जानने के बाद उन्हें ईर्ष्या भी हुई वाह बॉस आप अविश्वसनीय है चूपेहान ने काव्या को जोर से गले लगाया के और यू मिक्सी भी उत्साह से भरे हुए थे यीशु यह अद्भुत है आपने अपना पैसा 2700 गुना जीता है जो कुल मिलाकर दो सौ हजार युवान है मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा जो एक बार में इतना पैसा जीतने में सक्षम हो अधिकांश गेम खेलने वाले सामान्य लोग थे इसलिए दो सौ हजार युवान उनकी नज़र में बहुत थे और वे काव्या से काफी ईर्षा करते थे ठीक है अब चिप्स इकट्ठा करो काव्या ने कहा और चूपिहान के कसकर गले लगने से थोड़ा असहज महसूस करने लगी यह सुनकर चुपेहान ने तुरंत काव्या को जाने दिया और चिप्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया चूंकि बहुत सारे चिप्स थे म्यू के सर्विस काउंटर पर गया और एक बड़ा डिब्बा मांगा काव्या के आसपास की खुशी ने जल्द ही कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया यह बात मैनेजर को भी बाद में पता चली और वह भी हैरान रह गया हालांकि उनमें से कोई भी काव्या के लिए मुश्किलें खड़ी करने नहीं आया और उसने सफलतापूर्वक चिप्स को पैसे से बदल लिया चूंकि काव्या ने पैसे जीते इसलिए उसने इसे अपना मान लिया और बाद में अपने दोस्तों के लिए स्नैक्स खरीदने का फ़ैसला किया पैसे जीतने के बाद वे तुरंत नहीं गए क्योंकि वे यहां मौजमस्ती करने आए थे इसलिए उन्होंने गेम खेलना जारी रखा वैसे भी उन्हें अपने सभी गेम सिक्कों का उपयोग करना था काव्या ने खूब धमाल मचाया था इसलिए वह जहां भी जाती थी सबके ध्यान का केंद्र बन जाती थी सौभाग्य से वह पहले से ही इसकी अभ्यस्त थी इसलिए उसे बिल्कुल भी असहजता महसूस नहीं हुई कुछ देर बाद अचानक उसने मोबाइल गेम एरिया में बैटल इन द स्काई देखी चूपेहान ने सबसे पहले ध्यान दिया और उसने तुरंत काव्या से कहा बॉस क्या वह बैटल इन द स्काई नहीं है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह अब एक मनोरंजन आर्किड के शेल्फ पर है आप सचमुच अद्भुत है काव्या ने पलट अपनी कंपनी द्वारा बनाए गए गेम को देखा दरअसल के हर समय गेम कंपनी को मैनेज कर रहा था इसलिए काव्या को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी उसने शर्त लगाई कि इस मनोरंजन आर्केड का उसकी गेम कंपनी के साथ सहयोग होना चाहिए इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई अपने खेल के सिक्कों का उपभोग करने के बाद काव्या और उसके दोस्त चले गए इस समय रात के लगभग दस बज रहे थे इसलिए वे रात्रि का नाश्ता करने चले गए काव्या के दोस्तों का इरादा बढ़िया खाना खाने का था क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे जीते थे इसलिए उन्होंने समुद्री भोजन खाने का प्रस्ताव रखा जो रात के अन्य नाश्ते की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक महंगा था हालांकि समुद्री भोजन कितना भी महंगा क्यों न हो इसकी कीमत अधिकतम कई हजार युआन ही थी जो काव्या के लिए कुछ भी नहीं थी वे इस बार फूड स्ट्रीट पर नहीं गए बल्कि इंटरनेट के माध्यम से एक प्रसिद्ध सी फूड रेस्तरा ढूंढा और वहां एक साथ गए क्योंकि यह प्रसिद्ध था यह बहुत लोकप्रिय था और आरक्षण सेवा प्रदान नहीं करता था सौभाग्य से रेस्तरा विशाल था इसलिए जब वे पहुंचे तब भी सीटें खाली थी यह सी फूड रेस्तरा सुंदर सजावट वाला एक उच्च श्रेणी का रेस्तरा था इसलिए यहाँ भोजन की कीमतें भी अधिक थी इसके अलावा इसने अधिक प्रकार के समुद्री भोजन उपलब्ध कराए उदाहरण के लिए लाल राजा केकड़े ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर अबालोन और अन्य अधिक महंगे समुद्री भोजन सामान्य खाद्य स्टालों में उपलब्ध नहीं थे यदि उपलब्ध भी थे तो वे घटिया गुणवत्ता के थे उन्हें सीफूड एरिया में जाकर खुद सीफूड चुनना था इसलिए काव्या और उसकी सहेलियां टेबल बुक सीफूड चुनने गई हालांकि जब चू पेहान और उसके अन्य दोस्तों ने कीमतें देखी तो वे आश्चर्यचकित रह गए बॉस वे बहुत महंगे हैं क्या हमें ने कहा हालांकि काव्या के पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं थी लेकिन वे उसके पैसे को बेथाशा खर्च नहीं कर सकते थे यदि वह बिल का भुगतान करने जा रहा होता तो उसे नहीं लगता कि वे महंगे हैं महंगा यदि आप इसे वहन नहीं कर सकते तो अंदर ना आए यह कोई स्ट्रीट स्टैंड नहीं है कई सौ युवान पर्याप्त नहीं होंगे ठीक इसी समय उनके पीछे से एक निर्दयी महिला की आवाज़ सुनाई दी लड़की उनकी ही उम्र की थी और वह सुंदर थी लेकिन मतलबी और घमंडी लग रही थी तुम्हें किसने कहा कि हम इसे वहन नहीं कर सकते क्या तुम पागल हो या कुछ और चूपेहान अप्रसन्न था यह हास्यास्पद था कि वह समुद्री भोजन नहीं खरीद सकती थी दरअसल उसके पास इस पूरे सीफूड फूड रेस्तरा को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे क्या कहा आपने दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत मत करना लड़की एक पल में पागल हो गई और उसने चूपेहान को थप्पड़ मारने की कोशिश करते हुए अपना हाथ उठाया आम लोगों के लिए को चोट पहुंचाना आसान नहीं था और चू पेहान ने बिना किसी हिचकिचाहट के लड़की का हाथ पकड़ लिया लड़की को बहुत दर्द हुआ और वह अपना हाथ नहीं हटा सकी सामने की दो लड़कियों ने शोर सुना और पीछे मुड़ गई एक बार जब उन्होंने चूपेहान को लड़की की कलाई पकड़ते देखा तो वे दौड़ पड़े यहाँ क्या चल रहा है एक लड़की ने ठने स्वर में पूछा लड़की लगभग एक मीटर लंबी और पतली थी उसका शरीर बहुत अच्छा था और वह बहुत सुंदर थी लेकिन काव्या और चू पेहान जितनी आकर्षक नहीं थी वह उनसे थोड़ी ही लंबी थी इसलिए वह बिना किसी कारण के काव्या और चू पेहान को ईर्ष्या और घृणा की दृष्टि से देखती थी शुयान उन्होंने बस मुझे गाली दी मेरे हाथ में अब सचमुच दर्द हो रहा है लड़की ने तुरंत चू पेहान पर बताया वह पहले हम पर हंसी यह उसकी गलती है चू पेहान ने कहा क्या मैं गलत हूं आपने कहा कि यहां समुद्री भोजन बहुत महंगा है यदि आप इसे वहन नहीं कर सकते तो अंदर आकर अपने आप को शर्मिंदा न करें लड़की ने बहस की उसने ईमानदारी से नहीं सोचा कि उसने कुछ भी गलत कहा है मुझे आपसे फिर से पूछना है तुमसे किसने कहा कि हम इसे वहन नहीं कर सकते हमने कहा कि समुद्री भोजन सिर्फ इसलिए महंगा है क्योंकि हम अपने बॉस के पैसे का बहुत अधिक हिस्सा खर्च करने को तैयार नहीं है चुपेहान ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा जिससे लड़की डर गई लड़की को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी इसी समय एक वेटरेस तुरंत वहां चली आई कृपया यहां मत लड़ो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हुआ है क्षमा करें मेरे मित्र का यह मतलब नहीं था कृपया उसे माफ कर दे युआन शुयान ने कहा वह जानती थी कि यह उसके दोस्त की गलती थी और वह इसे एक बड़ी समस्या नहीं बनाना चाहती थी उसका यह मतलब नहीं था उसने यह दो बार कहा हम मूर्ख नहीं हैं, इसलिए यह मत मानिए कि अन्य लोग बेवकूफ हैं चुपेहान ने कहा लेकिन वह उनके साथ बहस करने में अनिच्छुक थी बाद में उसने बच्ची का हाथ दूर फेंक दिया चूंकि उसने थोड़ा सा बल प्रयोग किया था लड़की लगभग गिर पड़ी सौभाग्य से युआन शुयान ने तुरंत उसका समर्थन किया आप जब उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया तो लड़की नाराज हो गई वह फिर से उनकी आलोचना करना चाहती थी लेकिन युआन शुयान ने उसे रोक दिया अपना मुंह बंद करें यह सुनकर लड़की डर गई और उसने अपना मुंह बंद कर लिया चू पेहान ने अभी जो कहा उससे युआन शुयान बहुत असंतुष्ट थी क्योंकि वह जानती थी कि चू पेहान कह रही थी कि वह यहां बेवकूफ थी हालांकि यह उसकी दोस्त की गलती थी इसलिए उसने इसके बारे में और कुछ नहीं कहा क्षमा करें हमें एक लाल किंग केकड़ा एक ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर चार अबालन चाहिए काव्या ने ऑर्डर देना शुरू किया उसने जानबूझ युआन शुयान और उसके दोस्त के सामने यह बात कही उसके बाद उसने चू पेहान और उसके अन्य दोस्तों से कहा आप जो भी खाना चाहते हैं ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी भोजन को बर्बाद न करना अच्छी बात है आर्थिक होना एक गुण है लेकिन स्वयं का आनंद लेना भी जीवन का अर्थ है वे सिर्फ अमीर होने का दिखावा कर रहे हैं लड़की ने काव्या और उसके दोस्तों के प्रति अपना रवैया बदलने से इनकार कर दिया बंद करना युआन शुयान क्रोधित हो गया और फेंग जियाजिया पर टूट पड़ा फेंग जियाजिया वास्तव में कष्टप्रद था दरअसल काव्या और उसकी सहेलियां गरीब नहीं हो सकती थी क्योंकि उनके कपड़े महंगे थे इसके अलावा चूँकि उन्होंने बहुत अधिक समुद्री भोजन का ऑर्डर दिया था इसका मतलब था कि वे इसे खरीद सकते थे समुद्री भोजन का भोजन बहुत महंगा नहीं हो सकता है और बहुत से लोग इसे खरीद सकते हैं मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि आप यह कहने पर क्यों अड़े हैं कि हम गरीब हैं काव्या ने नकली मुस्कान के साथ फेंक जियाजिया से पूछा काव्या ने अपने चेहरे पर अपना गुस्सा नहीं दिखाया जैसा की चूपेहान आमतौर पर करता था लेकिन वह फेंक जियाजिया के रवैये से भी असंतुष्ट थी फेंग जियाजिया ने अपना मुंह खोला लेकिन युआन शुयान ने कुछ भी कहने से पहले उसे चेतावनी दी मुझे क्षमा करें युआन शुयान ने काव्या से फिर माफी मांगी फिर फेंग जियाजिया को दूर खींच लिया कहीं यह बड़ी मुसीबत न बन जाए हालांकि वह काव्या और काव्या के दोस्तों को नापसंद करती थी और वास्तव में वह माफी मांगने को तैयार नहीं थी फिर भी उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी महसूस हुई इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से फेंग जियाजिया की गलती थी इसलिए उन्हें इस पर बहस करना बंद कर देना चाहिए वे सचमुच पागल हैं उनके चले जाने के बाद चूप पेहान ने शिकायत की ऐसा लगता है कि वे भी अमीर परिवारों में पैदा हुए हैं जो लोग अमीर परिवारों में पैदा हुए हैं वे एक दूसरे से काफी अलग हैं कुछ अच्छे संस्कारी हैं और साथियों के बीच उत्कृष्ट है जबकि कुछ बिगड़ेल घमंडी और मिलजोल में खराब है म्यूके ने कहा यह सच है कि अमीर परिवारों में पैदा हुए लोगों के बीच बहुत मतभेद थे उनमें से कुछ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके ताकि उनका व्यवहार अच्छा रहे और उनके पास बेहतरीन कौशल हो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी थे जो बेहद अहंकारी और आत्म थे दरअसल उनके माता पिता का उन पर बहुत प्रभाव था काव्या और उसकी सहेलियों पर इस बहस का कोई असर नहीं हुआ और वे सिफूर का ऑर्डर देती रही ऑर्डर देने के बाद वे अपनी सीटों पर चले गए और मेज पर बर्तन रखे जाने का इंतजार करने लगे रात का नाश्ता खत्म करने के बाद वे एक साथ चले गए जैसे ही वे बाहर निकले वे युआन शुयान और उसके दोस्तों से फिर मिले वे उसी समय पार्किंग स्थल की ओर निकल गए जब युआन शुयान और उसके दोस्तों ने काव्या की हमर देखी जिसकी कीमत एक मिलियन युवा थी तो उन्हें एहसास हुआ कि काव्या बिल्कुल भी गरीब नहीं थी उन्हें नहीं पता था कि काव्या कितनी अमीर है क्योंकि कार से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था उदाहरण के लिए काव्या पहले से ही अरब थी थी लेकिन उसकी कार की कीमत केवल दस लाख युवान से अधिक थी कुछ लोगों के पास केवल दर्जनों मिलियन युवा थी लेकिन फिर भी वे ऐसी कारें चलाते थे जिनकी कीमत एक मिलियन युवा मिलियन युवा क्योंकि म्यूके ने होटल से चेकआउट कर लिया था वह काव्या और अन्य लड़कियों के साथ सेंचुरी सिटी वापस चला गया तीन लड़कियां थी और वह अकेला लड़का था लेकिन कोई समस्या नहीं थी काव्या ने उसके लिए पहली मंजिल पर रहने की व्यवस्था की अगली सुबह उन्होंने घर पर नाश्ता किया नाश्ता करने के बाद वे एक साथ कैपिटल यूनिवर्सिटी हालांकि काव्या हर समय छात्रावास में नहीं रहती थी फिर भी उसे कभी कभी वहां रहना पड़ता था इसलिए उसने कुछ दैनिक आवश्यकताएं और कपड़े तैयार किए उसे हर दिन कंपनी में काम पर जाने की जरूरत नहीं थी ताकि वह सामान्य विश्वविद्यालय जीवन का आनंद ले सके कैपिटल यूनिवर्सिटी शीर्ष यूनिवर्सिटी थी इसलिए वहां सभी प्रकार के प्रतिभाशाली लोग थे काव्या ने कुछ लोगों से दोस्ती करने और उन्हें अपने लिए काम करने देने की योजना बनाई इसके अलावा शक्तिशाली परिवारों की कई संतानें भी कैपिटल यूनिवर्सिटी थी इसलिए यह उन्हें काव्या की ओर खींचने का एक शानदार मौका था आखिरकार अच्छे संबंध कभी भी पर्याप्त नहीं होते रिश्ते दोस्तों से अलग थे काव्या की नज़र में दोस्त रिश्तों से ज्यादा कीमती थे हालांकि नामांकन का दूसरा दिन था फिर भी स्कूल के पास की सड़कों पर काफी ट्रैफिक था स्कूल में तो और भी ज्यादा भीड़ थी चूंकि अन्य शहरों के सभी छात्र नामांकन के बाद सीधे परिसर में रहते थे और वे स्कूल में इधर उधर घूमते थे आज एक बार और नए छात्रों के आने से हर जगह अधिक लोग थे जब काव्या और उसकी सहेलिया कैपिटल यूनिवर्सिटी तो उसे एक कृषक की अनुभूति हुई उसने शुरुआत में सोचा कि यह बेली जोगसू है क्योंकि बेली जोगसू भी इस समय नामांकन करने आई थी उसने अपना सिर दिशा की ओर घुमाया लेकिन पाया कि वह गलत थी और कृषक वह व्यक्ति था जो ड्रैगन फीनिक्स क्लाउड पैटर्न के साथ जेड़ के लिए उसका पीछा कर रहा था जब से यह कल्टीवेटर यहाँ आया काव्या ने सोचा कि वह उसके लिए आया होगा और वह उसकी पहचान का पता लगा सकता है लेकिन वह नहीं जानती थी कि अब वह उसके बारे में कितना जानता है यह सच था कि कल्टीवेटर ने अपना होमवर्क कर लिया था और वह काव्या की उपलब्धियों से भी आश्चर्यचकित था उसने मूल रूप से सोचा था कि वह केवल एक साधारण लड़की थी लेकिन वह वास्तव में असाधारण थी इतनी कम उम्र में ही वह अरबती बन चुकी थी और कुम्फू मास्टर भी थी हालांकि काव्या लड़ने में कितनी भी अच्छी क्यों न हो किसान को नहीं लगता था कि वह उसके बराबर है काव्या असामान्य रूप से मज़बूत थी क्योंकि उसके प्रतिस्पर्धी नश्वर थे इसलिए इस बार काव्या का पीछा करते समय कृषक अधिक सावधान था लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह उसे ढूंढ पाएगी वह काव्या की वास्तविक क्षमताओं को नहीं जानता था इसलिए उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसका पर्दाफाश हो जाएगा काव्या ने कुछ समय के लिए किसान को नज़रअंदाज कर दिया और उसे अपने पीछे आने दिया आखिरकार वे सार्वजनिक थे इसलिए वह उसे चोट नहीं पहुंचा सका वह उसे अपने आसपास महसूस कर सकती थी और जान सकती थी कि वह वहां है या चला गया है उसे इस बात का डर नहीं था कि वह उस पर छिपकर हमला कर सकता है विद्यालय मार्ग के दोनों ओर विभिन्न विभागों के स्वागत स्थल बने हुए थे क्योंकि वरिष्ठ छात्र अभी तक स्कूल नहीं आए थे इन स्वागत बिंदुओं पर मौजूद लोग छात्र संघ के सभी सदस्य और कैडर थे यदि नए छात्रों को पता नहीं है कि नामांकन कैसे करना है तो वे मदद के लिए इन छात्रों या वरिष्ठों की ओर रुख कर सकते हैं अधिकांश पुरुष वरिष्ठों की रुचि केवल खूबसूरत नवसिखुआ लड़कियों में थी और उन्होंने इस महान अवसर का उपयोग प्रेमिका पाने के उद्देश्य से किया हालांकि काव्या और उसकी सहेलियां पहली बार कैपिटल यूनिवर्सिटी उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उन्हें नामांकन स्थल नहीं मिला इसलिए उन्होंने किसी से नहीं पूछा और धीरे धीरे अंदर चली गई चुपेहान और काव्या के अन्य दोस्त उसके साथ मुख्य रूप से यह देखने आए थे कि कैपिटल यूनिवर्सिटी यदि कोई मार्गदर्शक होता तो शायद वे आनंद नहीं उठा पाते कैपिटल यूनिवर्सिटी शीर्ष यूनिवर्सिटी थी इसलिए वहां कई प्रसिद्ध इमारतें और दृश्य थे हालांकि काव्या यहाँ पहली बार आई थी लेकिन यह उसके लिए तीन साल तक पढ़ने की जगह थी इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे यहाँ आने से पहले ही इसके बारे में पता चल गया था तदनुसार उसने अपनी इच्छा से इसे अपने दोस्तों से मिलवाया काव्या और उसकी सहेलिया किसी से मदद मांगे बिना अंदर चली गई लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उत्कृष्ट उपस्थिति के कारण छात्र संघ के कई पुरुष वरिष्ठों का ध्यान आकर्षित किया वे नए नए ही होंगे है ना हाँ वे प्रतीत होते हैं चलो हम ऐसी खूबसूरत लड़कियों की मदद करने का यह बेहतरीन मौका नहीं छोड़ सकते क्या यह संभव है कि वे कल ही नामांकन कर चुके हों उनके पास केवल एक सूटकेस है यह संभव है लेकिन यह बताना कठिन है शायद उनके दोस्त उनके साथ आए थे ठीक है चलिए उनसे पूछते हैं यह कहते हुए दो वरिष्ठ पुरुष छात्र काव्या और उसके दोस्तों के पास चले गए नमस्कार क्या आप नए छात्र हैं जो नामांकन करने आए हैं एक लड़के ने पूछा वे दोनों सुंदर और मिलनसार थे अन्यथा वे काव्या और उसके दोस्तों के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करने के लिए सहमत नहीं होते हाँ काव्या ने उत्तर दिया यह सुनकर वे उत्साहित हो गए हम आपको वहां क्यों नहीं ले जाते दूसरे लड़के ने कहा धन्यवाद लेकिन हम वहां अकेले जा सकते हैं काव्या ने मना कर दिया दो वरिष्ठ छात्र थोड़े निराश हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में हम आपको अपने स्कूल का भी परिचय दे सकते हैं धन्यवाद मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ सीखा है काव्या ने विनम्रता से कहा दो बार मना किए जाने के बाद दो वरिष्ठ छात्रों को जित करने में शर्मिंदगी महसूस हुई कहीं वे काव्या पर बुरा प्रभाव न छोड़ दें हालांकि काव्या ने दो बार मना कर दिया लेकिन उसका रवैया बहुत दयालु था इसलिए दोनों वरिष्ठ छात्र नाराज नहीं हुए जैसे ही वे फिर से कुछ कहने वाले थे इससे पहले कि वे इसे जोर से कह पाते एक निर्दयी लड़की ने उन्हें रोक दिया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इतने सारे नए छात्र आ रहे हैं और मदद के लिए बहुत कम लोग हैं फिर भी आपके पास यहाँ बातचीत करने का समय कैसे हो सकता है लड़की युवा शुयान थी और काव्या कल रात उसे मिली थी वास्तव में काव्या ने अपना मुंह खोलने से पहले ही उसे देख लिया था क्योंकि युवान शुयान उन्हें निर्दयी दृष्टि से देखता रहा जब उसे पता चला कि यह युवा शुयान है तब भी काव्या थोड़ा आश्चर्यचकित थी अप्रत्याशित रूप से उन्हें उसी विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया युआन शुयान भी उन्हें दोबारा देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और वे नए निकले पिछली रात जो हुआ था उसके बारे में सोचकर युआन शुयान अभी भी पागल थी इसलिए उसने काव्या में गलती खोजने का फ़ैसला किया काव्या और उसके दोस्त मूर्ख नहीं थे और वे समझ गए थे कि युआन शुयान क्या कर रहा था हाय उपमंत्री युआन दोनों लड़कों ने तुरंत सम्मान की भावना के साथ गंभीर चेहरा बना लिया युआन शुयान कला विभाग की उपमंत्री थी और उनका परिवार राजधानी का प्रसिद्ध युआन परिवार था हालांकि वह इसकी प्रत्यक्ष वंशज नहीं थी वह सिर्फ एक संपार्श्विक रिश्तेदार थी भले ही वह युवाओं परिवार की एक महत्वपूर्ण सदस्य नहीं थी फिर भी उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत प्रभावशाली थी इसलिए कई लोग उससे विस्मय में थे वे कला विभाग के उपमंत्री के उनके पद से नहीं बल्कि युवान परिवार के सदस्य के रूप में उनकी पहचान से डरते थे तुम्हें किसने बताया कि हम बातें कर रहे थे चू पेहान ने असंतोष के साथ तर्क दिया क्या तुम नहीं थे अगर आप चैट नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे मैं नहीं बनाया गया हूँ युआन शुयान ने कहा यह विश्वास करते हुए कि वे सिर्फ चैटिंग में समय बर्बाद कर रहे थे तुम न केवल अंधे हो बल्कि बीमार भी हो दोनों वरिष्ठों ने हमसे प्यार से पूछा कि क्या हमें मदद की जरूरत है हमें इसकी जरूरत नहीं है इसलिए हमने मना कर दिया बातचीत एक मिनट भी नहीं चली यह निरर्थक बात कैसे हो जाती है आप जानबूझ कर गलतियां निकाल रहे हैं चुपेहान ने आरोप लगाया पेहान को इस तरह से जवाब देते हुए सुनकर काव्या ने उसे नहीं रोका क्योंकि वह उन लोगों के प्रति ज्यादा सहनशीलता नहीं रखती थी जो जानबूझकर गलती खोजने आते थे यदि वे जवाबी कार्रवाई नहीं करते तो उन्हें कमजोर माना जा सकता था स्कूल में पहले से ही बहुत सारे लोग थे और पेहान की आवाज धीमी नहीं थी उसकी दहाड़ ने जल्द ही अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया चूपेहान के शब्दों ने युआन श्रेयान को तुरंत नाराज़ कर दिया जैसे ही सभी लोग उनकी ओर देखने लगे युआन शुयान को और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई और वह क्रोधित हो गया तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं अंधा और बीमार हूं क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं मैं कला विभाग का उपमंत्री हूं आपको कुछ सम्मान दिखाना चाहिए मैं बस आपको याद दिलाना चाहता था कि वरिष्ठ लोग बहुत व्यस्त हैं और अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं क्या मैं गलत हूं वह अपनी प्रतिष्ठा और छवि की रक्षा के लिए हर चीज के लिए चू पेहान को दोषी ठहरा रही थी उस स्थिति में चूपेहान लोगों की नजर में बुरा व्यक्ति बन गया नामांकन के पहले दिन जब इन नए छात्रों की कला विभाग के उपमंत्री से बहस हो गई तो यह वाकई अच्छी बात नहीं थी आप सार्वजनिक रूप से झूठ बोल रहे हैं यह स्वीकार करें कि कल रात जो हुआ उसके लिए आप अभी भी हमसे नाराज हैं और इसलिए आप अब हमारे लिए चीजें कठिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं यह कोई भी मूर्ख नहीं है अगर तुम अचानक बाहर न कूदे होते तो हम पहले ही निकल गए होते हम आपका कोई भी समय बर्बाद नहीं करेंगे आप ही हैं जो यहाँ सबका समय बर्बाद कर रहे हैं जो पेहान ने कहा और अपनी नाराजगी उजागर करने में संकोच नहीं किया उस मामले में सभी को एक ही बार में सच्चाई पता चली और युआन शुयान पर उनकी नजरें अलग हो गयी क्या कला विभाग के उप मंत्री कल उनकी नाराजगी के कारण जानबूझ कर उनमें गलतियां निकाल रहे थे हालाँकि भले ही उनमे एक दूसरे के प्रति द्वेष था दर्शकों को यह नहीं पता था की पहले कौन गलत था इसलिए वे यह तय नहीं कर सके की आज युवान सुयान का व्यवहार सही था या गलत यदि कल यह नए छात्रों की गलती थी तो दर्शकों ने सोचा कि यह समझ में आने वाली बात है कि युआन शुयान ने आज उनके लिए चीजें कठिन बना दी है आप यह सुनकर युआन शुयान क्रोधित हो गया उसे उनसे इतने निर्भीक होने की उम्मीद नहीं थी उसकी पहचान जानने के बाद उन्होंने इतने अहंकार से उसका खंडन करने का साहस भी किया बकवास कल मेरी आपसे कोई बहस नहीं हुई थी मैं बिना किसी कारण के दूसरों की मदद नहीं करूंगा यह आप ही हैं जिन्होंने छात्र संघ के वरिष्ठों के व्यस्त कार्यों को नज़रअंदाज किया और यहाँ बातचीत में समय बर्बाद किया क्या मैं इसके लिए आपकी आलोचना नहीं कर सकता इसके अलावा छात्र संघ में एक नेता के रूप में मुझे यही करना चाहिए अगर यह वैसा ही होता जैसा उसने कहा था तो ठीक था लेकिन समस्या यह थी कि यह वैसा नहीं था जैसा उसने कहा था यदि आप स्वतंत्र नहीं होते तो क्या आप अब तक आकर हमसे बहस करते काव्या ने मजाक उड़ाए हुए कहा खुद को धोखा देने की इस तरह की चाल केवल वे लोग ही कर सकते हैं जिनके दिमाग में समस्या है आप युआन शुयान गुस्से में थी क्योंकि बहुत से लोगों ने उसे इस तरह परेशान करने की हिम्मत नहीं की थी हालांकि काव्या और उसके दोस्तों ने उसे बार बार अपमानित करने का साहस किया युआन शुयान ने तुरंत दोनों वरिष्ठों की ओर देखा और पूछा मुझे बताओ क्या मैंने उन्हें दोषी ठहराया है जब युआन शुयान ने उनसे पूछा तो उनकी ओर उनकी नजर स्पष्ट रूप से धमकी भरी लग रही थी क्योंकि दोनों वरिष्ठ युआन शुयान से डरते थे वे बिना विवेक के केवल इससे इनकार कर सकते थे देखना, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मैंने आप पर आरोप लगाया है यह स्पष्ट है कि आप ही वह व्यक्ति थे जिसने परेशानी पैदा की थी युआन शुयान ने कहा उसे विश्वास नहीं था कि वे उसे हरा सकते हैं यह देखकर अधिकांश लोगों का झुकाव स्वाभाविक रूप से युआन शुयान के पक्ष में था क्योंकि उन्होंने पहले जो कुछ हुआ था उसे नहीं देखा था वे केवल महत्वहीन साक्ष्यों से ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते थे आप यह सुनकर कि दोनों वरिष्ठ अपने विवेक से अनभिज्ञ थे और उन्होंने युआन शुयान की मदद की न्यू के अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका उनकी नज़र में पुरुषों को कायरो जैसा नहीं होना चाहिए अगर काव्या ने उसे नहीं रोका होता तो वह उन्हें पीट देता काव्या ने युआन शुयान की ओर उदासीनता से देखा जब वह कुछ कहने ही वाली थी तभी एक लड़की ने उसे टोक दिया यह स्पष्ट रूप से झूठ है मैंने अभी इसे देखा और सुना है उनका संवाद केवल छह वाक्यों का था और यह एक मिनट से अधिक नहीं था क्या वे एक दूसरे से कुछ सेकंड बात नहीं कर सकते क्या वरिष्ठ लोग नए छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ नहीं है ऐसा करने के लिए आप उन्हें कैसे दोषी ठहरा सकते हैं यह अजीब बात है लड़की ने गुस्से से कहा उसके कंधे तक बाल थे और चेहरा गोल था लेकिन वह मोटी नहीं थी बल्कि वो बेहद प्यारी और प्यारी लग रही थी उसे अपनी ओर से बोलते हुए देखकर काव्या ने उसे एक दोस्ताना मुस्कान दिखाई जब काव्या इस तरह मुस्कुराती थी तो वह एक खिले हुए फूल की तरह होती थी और इतनी आकर्षक होती थी कि कई लोग उस पर मोहित हो जाते थे जब कोई उनका बचाव करने के लिए खड़ा हुआ तो युआन शुयान और अधिक क्रोधित हो गए बकवास तुम ही हो जो यहाँ बकवास कर रहे हो लड़की ने प्रत्युत्तर दिया यहाँ क्या हो रहा है आप इस बारे में बहस कर रहे हैं इस समय बैज वाले कुछ वरिष्ठ लोग आए और उनसे पूछा अध्यक्ष उस व्यक्ति को आते देख युआन शुयान ने तुरंत अपना मुंह खोला क्योंकि वह पहल करना चाहती थी हालांकि युआन शुयान को अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही रोक दिया गया था काव्या तुम्हें काव्या ही होना चाहिए है ना एक बार जब राष्ट्रपति ने काव्या को देखा तो वह उत्साहित हो गए और सीधे तौर पर युआन शुयान को नजरअंदाज कर दिया हालांकि उसे यकीन था कि लड़की काव्या ही थी फिर भी वह इसकी पुष्टि करना चाहता था उसे डर था कि कहीं वह गलत न हो जाए अगर वह गलत था तो यह शर्मनाक होगा यह देखकर कि राष्ट्रपति इस नए व्यक्ति को जानते हैं युआन शुयान अप्रसन्न हो गए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति उनका पक्ष नहीं लेंगे और उसे किसी तरह ऐसा महसूस हुआ जैसे काव्या का नाम बहुत परिचित लग रहा था उसने यह बात पहले भी कहीं सुनी होगी युआन शुयान अकेले नहीं थे जो इस नाम से परिचित थे कई अन्य लोगों को भी लगा कि यह परिचित है काव्या के लिए बोलने वाली लड़की सहित कुछ लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया और वे अत्यधिक उत्साहित हो गए लेकिन इस समय उनके लिए कुछ भी कहना उचित नहीं था काव्या इस वर्ष नेशनल कॉलेज प्रवेश परीक्षा की शीर्ष स्कोरर थी काव्या राष्ट्रीय देवी थी काव्या थी हर कोई काव्या के सभी कामों को नहीं जानता था और कुछ लोग केवल यह जानते थे कि वह नेशनल कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्कोरर थी कुछ लोग यह भी जानते होंगे कि वह इंटरनेट पर एक बहुत लोकप्रिय राष्ट्रीय देवी थी जबकि कुछ जानते थे कि वह एक प्रतिभाशाली व्यवसायी महिला थी इत्यादि मैं हूं और तुम हो काव्या ने पूछा उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि वह उसे जानता था रोम जेचिन ने कहा मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम रोम जेचिन है रोम जेचिन एक दशमलव आठ मीटर से अधिक लंबा था और वह मजबूत और सुंदर था हो सकता है कि वह उनके स्कूल का सबसे सुंदर लड़का न हो लेकिन उसे उसके करीब होना चाहिए हाय सीनियर रोम आपसे मिलकर अच्छा लगा यह सुनकर काव्या ने नम्रतापूर्वक उनका स्वागत किया उसका उपनाम रोम था जिसने काव्या को रोम परिवार के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो राजधानी के चार प्रमुख परिवारों में से एक था उसने बस इसके बारे में सोचा लेकिन दृढ़ता से विश्वास नहीं किया कि वह वास्तव में रोंग परिवार का सदस्य था हालांकि ऐसे लोग भी थे जिनका उपनाम रोंग था बहुत ज्यादा नहीं थे क्योंकि यह एक दुर्लभ उपनाम था सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि वह छात्र संघ के अध्यक्ष थे इसलिए वह साधारण नहीं हो सकते थे सामान्य विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रपति बनना असंभव था दरअसल छात्र संघ का कैडर भी सामान्य नहीं था और वह उत्कृष्ट भी होगा छात्र संघ स्कूल में मौजूदा संगठनात्मक संरचनाओं में से एक था यह छात्रों का अपना जन संगठन था और स्कूल और छात्रों के बीच सेतु और संपर्क था इसने परिसर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई छात्र संघ के अध्यक्ष में लोगों को समझाने और प्रबंधित करने की क्षमता होनी चाहिए आमतौर पर शक्तिशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले लोग आसानी से लोगों को समझा सकते हैं यदि कोई साधारण परिवार से होता तो चाहे वह कितना भी उत्कृष्ट व्यक्ति क्यों न हो बहुत से लोग उसकी बात नहीं सुनते भले ही किसी की पारिवारिक पृष्ठभूमि शक्तिशाली हो कभी कभी वह पर्याप्त प्रभावशाली नहीं होती थी बिना पृष्ठभूमि वाले लोगों की तो बात ही छोड़ दें कैपिटल यूनिवर्सिटी अन्य विश्वविद्यालयों से थोड़ा अलग था चयन और निरीक्षण बेहद सख्त था क्योंकि कैपिटल यूनिवर्सिटी सरकार से संबंधित था सरकार ने उन विशिष्ट कैडरों को नियुक्त करना पसंद किया जिन्होंने कैपिटल यूनिवर्सिटी में काम किया था इसलिए कैपिटल यूनिवर्सिटी भी सरकार के लिए प्रतिभाओं को विकसित करने का स्थान बन गया था कोई व्यक्ति केवल छात्र संघ में पद धारण करके ही सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है ठीक इसी कारण से यह एक छोटा समाज भी था जो सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा से भरा था कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह अनुचित था चूंकि यह सरकार के लिए प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने का स्थान था तो इसके सदस्यों की पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी हालांकि यह एक अनुचित दुनिया थी दरअसल किसी की पारिवारिक पृष्ठभूमि ही महत्वपूर्ण कारकों में से एक थी और उसकी क्षमताएं भी बहुत मायने रखती थी एक शक्तिशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि के बिना भी किसी को तब तक पदोन्नति मिल सकती है जब तक उसमें उत्कृष्ट योग्यताएं हों हालांकि छात्र संघ के अध्यक्ष विशेष थे युआन शुयान का उपनाम युआन था और वह कला विभाग की उपमंत्री थी काव्या ने राजधानी में युआन परिवार के बारे में सोचा भले ही वे वास्तव में राजधानी के दो प्रमुख परिवारों से हों काव्या को डर नहीं होगा यह जानकर दुख हुआ कि यहाँ आने के तुरंत बाद आपको मुसीबत में डाल दिया गया क्या मैं जान सकता हूँ कि अभी क्या हुआ रोम जेचे ने पूछा हालांकि काव्या से यह उसकी पहली मुलाकात थी और वह उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था लेकिन उसका मानना था कि वह कोई उपद्रवी नहीं थी राष्ट्रपति रोंग युआन शुयान उस समय बहुत अप्रसन्न हुए जब रोंग जेचिन ने उनके बजाय काव्या से यह प्रश्न पूछा वह उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा कर रहा था उपमंत्री युआन काव्या एक नई छात्रा है लेकिन स्कूल के पहले दिन उसे परेशानी का सामना करना पड़ा मुझे लगता है कि हमें पहले उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए रोंग जेचिन ने युआन शुयान को अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही रोक दिया रोंग जेचिन नहीं चाहता था कि युआन शुयान इस बारे में और कुछ कहे क्योंकि वह देख सकता था कि इसका उससे कुछ लेना देना है वह युआन शुयान को नापसंद करता था लेकिन इस बार उसे उसमें कोई गलती नहीं दिख रही थी उसके बारे में उसके ज्ञान को देखते हुए यह उसकी गलती होगी किसी भी तरह उसने काव्या की मदद करने का मन बना लिया हालांकि युआन शुयान युआन परिवार का सदस्य था वे अब स्कूल में थे और वह छात्र संघ का अध्यक्ष था उन्हें स्वाभाविक रूप से उनके नियमों का पालन करना चाहिए आप युआन शुयान पागल हो गया था वह मूर्ख नहीं थी और वह जानती थी कि रोंग जेचे ने जानबूझकर उसे इस बारे में बात करने से रोकने के लिए ऐसा किया था इसके अलावा वह जानता था कि इसका उससे कुछ लेना देना है रोंग जेचिन तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो भले ही आप मुझसे नफरत करते हो फिर भी आप मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते युआन शुयान को काफी दुख हुआ दरअसल युआन शुयान को रोम जेचिन पसंद था लेकिन रोम जेचिन ने उसे नापसंद किया स्पष्ट रूप से कहें तो वह उससे बहुत नफ़रत करता था कारण यह था कि उनके परिवार दुश्मन थे इसलिए उनका एक साथ रहना असंभव था दरअसल भले ही उनके परिवार दुश्मन नहीं थे फिर भी वह युआन शुयान को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि युआन शुयान चरित्र समस्याओं वाला व्यक्ति था हालांकि भले ही वह युआन शुयान से कितनी भी नफ़रत करता हो उसने कभी भी उसे चिढ़ाया नहीं था लेकिन उसका मानना था कि उसने ऐसा तब किया जब उनके बीच कुछ चीजों पर असहमति थी ठीक है बात यह है कि हम जानते हैं कि कहाँ नामांकन करना है इसलिए छात्र संघ में वरिष्ठ छात्रों को परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं है ये दो दयालु लड़के आए और हमसे पूछा कि क्या हमें अभी उनकी मदद की जरूरत है हमें इसकी जरूरत नहीं थी इसलिए हमने मना कर दिया लेकिन हमने केवल एक मिनट के लिए ही एक दूसरे से बात की इस लड़की ने अपना कीमती समय बर्बाद करने के लिए अचानक हमारी आलोचना की काव्या ने कहा मुझे यह समझ नहीं आया और मैंने इस पर उससे बहस की हालांकि छात्र संघ के दो वरिष्ठ पुरुष सदस्यों ने झूठ बोला था क्योंकि वे युआन शुयान से डरते थे काव्या ने इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया वह जानती थी कि उन्हें युआन शुयान ने धमकी दी थी फिर भी वह उन्हें धन्यवाद भी नहीं देगी जहां तक यह सवाल है कि क्या कल जो कुछ हुआ था उसके कारण युआन शुयान ने उन्हें जानबूझकर परेशान किया तो काव्या ने इसे जोर से नहीं कहा ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह युआन शुयान को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी बल्कि इसलिए कि चू पेहान ने यह बात जोर से कही थी यह बात अब हर किसी को पता थी और उसे दोबारा इसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि रोंग जेचिन ने अनुमान लगाया था कि समस्या का कारण युआन शुयान ही होगा काव्या का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ इसके बजाय वह और भी अधिक अप्रसन्न दिखे युआन शुयान बहुत घमंडी और आत्म केंद्रित था उपमंत्री युआन क्या आपको कुछ कहना है रोम जेचिन ने युआन शुयान से गंभीर स्वर में पूछा हालांकि उसने काव्या पर भरोसा किया फिर भी उसने युआन शुयान को अपना बचाव करने का मौका दिया अन्यथा अन्य लोग सोच सकते थे कि उसने उसकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसकी मदद की मैं बस उन्हें याद दिलाना चाहता था कि समय बर्बाद न करें लेकिन उन्होंने मेरी कसम खाई और कहा कि मैं पागल हूँ इसलिए हमने बहस की युआन शुयान थोड़ा घबरा गई लेकिन उसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया इसके बजाय वह चू पेहान को दोषी ठहराने लगी हास्यास्पद आप अचानक उछल पड़े और बिना किसी कारण के हमारी आलोचना करने लगे आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम पागल न हो आप अकेले नहीं हैं जो यहाँ गुस्से में है चूपेहान ने झुंझलाहट में जवाब दिया आप युआन शुयान गुस्से में था लेकिन उसे नहीं पता था कि अचानक कैसे मुकाबला किया जाए क्या क्या आपको यह देखने के लिए निगरानी वीडियो देखने की जरूरत है कि क्या हमारे बीच सिर्फ अनौपचारिक बातचीत हुई थी चू पेहान थोड़ा आक्रामक हो गया आप युआन शुयान अब बेहद घबरा गया था और एक वाक्य भी पूरा नहीं कर सका ठीक है यह गंभीर नहीं है हम कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहते इसलिए कृपया इस पर हमारे साथ बहस करना बंद करें हमें अब जाने की जरूरत है काव्या ने कहा उसने कोई दृश्य बनाना जरूरी नहीं समझा क्योंकि इससे वे बुरे लगेंगे वैसे भी हर कोई जानता था कि युआन शुयान ने जानबूझकर उनके लिए चीजों को कठिन बना दिया था जो उसके लिए एक अप्रिय दिन बनाने के लिए पर्याप्त था युआन शुयान हार मानने को तैयार नहीं था लेकिन उनके साथ बहस जारी रखने में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा और इससे उसे और अधिक शर्मिंदा होना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो उसे आज काव्या और उसके दोस्तों से शिकायत थी और उसने उन्हें बदला चुकाने की ठान ली थी आइए देखते हैं युआन शुयान ने सूंघा घूमा और चला गया काव्या इसके लिए क्षमा करें रोम जेचिन ने काव्या से फिर माफ़ी मांगी इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था लेकिन वह छात्र संघ के अध्यक्ष थे और नए छात्रों के लिए आज की स्वागत सभा के लिए जिम्मेदार थे इससे निपटना उनका कर्तव्य था ठीक है सीनियर रोम मुझे पता है कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है मैं इसे दिल पर नहीं लूंगी काव्या ने कहा उसने इसे दिल पर नहीं लिया लेकिन वह जानती थी कि युआन शुयान ने ऐसा किया था और युआन शुयान उसे वापस भुगतान करने से पीछे नहीं हटेगा वैसे भी उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी अगर उसने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत की तो वह युआन शुयान को सबक सिखाएगी क्या आपको नामांकन में मेरी सहायता की आवश्यकता है रोम जेचिन से पूछा धन्यवाद लेकिन हम वहां धीरे धीरे चलेंगे मैं बाद में अपने दोस्तों को हमारे स्कूल के आसपास मार्गदर्शन करने की भी योजना बना रहा हूं काव्या ने मना कर दिया महान चूंकि उसने ऐसा कहा था रोम जेचे ने जोर नहीं दिया उम्मा देवी गो क्या मैं आपसे जुड़ सकता हूं मैं अकेली हूं उनका बचाव करने वाली लड़की ने सावधानी से पूछा वह उनके साथ जुड़ना चाहती थी लेकिन डरती थी कि कहीं वे उसे स्वीकार करने से इनकार न कर दें बिल्कुल काव्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा काव्या की सहमति से लड़की उत्साहित हो गई कई अन्य नए छात्र भी थे जो काव्या के साथ परिसर का दौरा करना चाहते थे लेकिन वे इसे जोर से कहने में बहुत शर्मा रहे थे परिणाम स्वरूप वे केवल उन्हें जाते हुए देख सकते थे एक बार जब काव्या और उसके दोस्त चले गए तो अन्य लोग उनके बारे में बात करने लगे वाह वह वा वास्तव में सीधी छात्रा और देवी है वह अपनी तस्वीरों से भी अधिक सुंदर है एक सीधी छात्रा और देवी कोई भ्रमित था। एक अन्य व्यक्ति ने कहा वह इस साल की नेशनल कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्कोरर है क्या वह इस वर्ष की शीर्ष स्कोरर है ये जानकर कुछ लोग जो काव्या को नहीं पहचानते थे वो हैरान रह गए उनके नाम पर कई मशहूर कंपनियां भी हैं वह एक प्रतिभाशाली व्यवसायी महिला है जैसे जैसे लोगों को काव्या के बारे में अधिक पता चला वे उसकी प्रशंसा करने लगे चूंकि युआन शुयान ज्यादा दूर तक नहीं गई थी और लोग काव्या के बारे में जोर जोर से बात करते थे उसने उनकी चर्चा सुनी और महसूस किया कि काव्या कौन थी यह पता चला कि काव्या शीर्ष स्कोरर थी इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा कि उसका नाम इतना जाना पहचाना लग रहा है और रोम जेचेन इतना उत्साहित था हालांकि युआन शुयान को काव्या से बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं थी क्योंकि वह एक प्रभावशाली परिवार में पैदा हुई थी वह काव्या की प्रशंसा सिर्फ इसलिए नहीं करेगी क्योंकि काव्या उत्कृष्ट थी भले ही काव्या एक सफल व्यवसायी महिला थी लेकिन उसकी तुलना युआन परिवार से नहीं की जा सकती थी युआन शुयान को काव्या के बारे में सब कुछ नहीं पता था लेकिन अगर पता भी चला तो भी उसका रवैया नहीं बदलेगा दरअसल काव्या के प्रति रोंग जेचिन के रवैये के बारे में सोचकर उसे बहुत जलन होने लगी छोटे बालों वाली लड़की ने अपना परिचय दिया हाय देवी गो मेरा नाम सोंग मियाओगे है मैं राजधानी में रहता हूँ आज तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे आशा है कि मैंने आपको परेशानी नहीं पहुँचाई सोंग मियाओगे को उन्हें बीच में टोकने पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई बेशक तुमने नहीं किया अभी हमारा बचाव करने के लिए मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए काव्या ने कहा यह कोई बड़ी बात नहीं है मैंने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया मुझे बस तब अप्रसन्नता महसूस हुई जब उस लड़की ने जानबूझकर तुम्हें छेड़ा सोम म्याओगे ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा ओह oh, देवी गो क्या मैं आपके प्रमुख को जान सकता हूँ मैं भौतिकी का अध्ययन कर रहा हूँ सोम म्याओगे ने पूछा अर्थशास्त्र और आप मुझे केवल नाम से बुला सकते हैं काव्या ने कहा जरूर फिर मैं तुम्हें काव्या कहूंगा सौंग म्याओगे पाखंडी नहीं था क्योंकि काव्या ने ऐसा कहा था इसलिए उसने उसे इस तरह बुलाया वे सभी आपके दोस्त हैं मैंने आपको यह कहते हुए सुना है कि आप उन्हें हमारे स्कूल का दौरा करने के लिए लाए थे वे कैपिटल यूनिवर्सिटी है है ना सौंग मियाओगे ने कहा हाँ काव्या ने कहा फिर उसने अपने दोस्तों को सौंग मियाओगे से मिलवाया इसके बाद उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी और बातचीत करने लगे हालांकि उन्होंने चैट में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख नहीं किया फिर भी काव्या देख सकती थी कि सौन्ग मियाओगे एक साधारण परिवार से नहीं था इसके अलावा सोंग म्याओगे के व्यवहार को देखते हुए काव्या को पता था कि वह भी कुमफू प्रेमी थी कुछ देर बाद वे नामांकन के लिए वहां चले गए क्योंकि उनके विषय अलग अलग थे सोंग मियाओगे काव्या से अलग हो गए और उन्होंने अलग से दाखिला लिया काव्या और उसके दोस्तों ने फिर से बहुत ध्यान आकर्षित किया जब काव्या नामांकन करने गई तो एक वरिष्ठ छात्र उसे देखे बिना नहीं रह सका उसने सोचा कि वह बहुत परिचित लग रही है और उसने उसे पहले भी कहीं देखा होगा लेकिन इस समय उसे यह याद नहीं आ रहा था जैसे ही उसने काव्या का प्रवेश नोटिस स्वीकार किया और उसे खोलकर काव्या का नाम देखा तो वह चौंक गया उसने अचानक काव्या की ओर देखा और कहा तुम काव्या हो काव्या कई अन्य लोग जिन्होंने काव्या के बारे में सुना था वे भी आश्चर्यचकित रह गए और वे सभी उत्साह से उसकी ओर देखने लगे हालांकि जो लोग काव्या को नहीं जानते थे वे भ्रमित थे काव्या क्या वह प्रसिद्ध है जी हां मैं काव्या मुस्कुरा दी तुमसे मिलकर अच्छा लगा काव्या वरिष्ठ छात्र ने काव्या का विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक स्वागत किया क्योंकि वह न केवल यह जानता था कि काव्या इस वर्ष की शीर्ष स्कोरर थी बल्कि वह उसके अन्य कार्यों के बारे में भी जानता था काव्या प्रशंसा और सम्मान के योग्य व्यक्ति थी कौन है काव्या वह इतना उत्साहित क्यों है किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा जो काव्या को नहीं जानता था किसी ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया और इससे एक और सनसनी फैल गई जीसस वह इस वर्ष की शीर्ष स्कोरर है उसने उससे कहीं अधिक हासिल किया है उन्होंने बहुत कम उम्र में एक कंपनी शुरू की और अब वह अरबती है क्या यह अविश्वसनीय है यदि आप उसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पर खोजे यह सुनकर कई लोगों ने अपने फोन निकाले और इंटरनेट पर काव्या के बारे में जानकारी खोजी काव्या की उपलब्धियों को जानने के बाद वे उसके बारे में जोर शोर से बात करने लगे काव्या जल्द ही लोगों के ध्यान का केंद्र बन गई और एक साथ कई लोगों से घिर गई वे काव्या की तारीफ करते रहे लेकिन शोर बहुत था इसलिए काव्या को थोड़ा असहज महसूस हुआ वरिष्ठ छात्र को समझ आ गया कि काव्या को नाराज़ होते देख वह थोड़ा नाराज हो गई है इसलिए उसने तुरंत उसके लिए औपचारिकताएं पूरी कर दी बाद में काव्या चली गई और सौंग न्याओगे का इंतजार नहीं किया वे वैसे भी नामांकन के बाद अपने छात्रावास के कमरे में जाने वाले थे हालांकि काव्या और उसकी सहेलियां चली गई अन्य नए छात्र अभी भी उनके बारे में बात कर रहे थे पॉस सबका ध्यान केंद्रित होने पर आपको कैसा महसूस होता है चूपेहान प्रसन्न हुआ वह देख सकती थी कि अभी जोर शोर से हो रही चर्चाओं के बीच काव्या असज महसूस कर रही थी काव्या ने कहा भविष्य में प्रसिद्ध होने के बाद आपको यह पता चल जाएगा यह सुखद नहीं था जब लोग उस पर बहुत अधिक ध्यान देते थे यह सुनकर चूपिहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई उसे अभिनय पसंद था और वह मनोरंजन उद्योग में शामिल होने जा रही थी लेकिन वह हर जगह लोगों से घिरी रहने को तैयार नहीं थी जैसे कि वह चिड़ियाघर में एक बंदर हो इसके अलावा उसे दयालु रहना चाहिए अन्यथा अन्य लोग सोच सकते हैं कि वह एक अहंकारी सेलिब्रिटी थी अचानक चू पेहान को कम दिलचस्पी महसूस हुई ठीक है मुझे अब अचानक स्टार बनने में उतनी दिलचस्पी नहीं रह गई है चू पेहान ने परेशान होते हुए कहा आपने इतनी आसानी से रुचि क्यों खोदी यदि ऐसा है तो मैं आपका तिरस्कार करूंगी काव्या ने कहा लेकिन वह जानती थी कि चू पेहान बस यही कह रहा था चिंता मत करो मैं तुम्हें वह मौका नहीं दूंगा यदि अधिक से अधिक लोग मेरे आसपास हैं और मुझ पर विशेष ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं तेजी से लोकप्रिय हो रहा हूँ यह कोई बुरी बात नहीं है चूपिहान की महत्वाकांक्षा फिर से जाग उठी जब उसने सुना कि काव्या उसका तिरस्कार करेगी जैसे ही काव्या की उपलब्धियों के बारे में जानकारी विदेशों में फैली जो लोग आश्चर्यचकित थे उन्होंने उसकी प्रशंसा की जबकि जो नहीं थे उन्होंने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने कहा कि उसने सफल होने के लिए अनैतिक चालें खेली होंगी भले ही वह एक सीधी सादी छात्रा थी और तेजस्वी थी कुछ ही समय में काव्या को लेकर अफवाहें उड़ने लगी जब काव्या अपने छात्रावास के कमरे में गई तो अंदर कोई नहीं था हालांकि उसके दो रूममेट पहले ही आ गए थे और उन्होंने नीचे के दो बिस्तरों पर कब्जा कर लिया काव्या को नीचे वाले बिस्तर नापसंद थे इसलिए वह वा ऊपर वाले बिस्तर पर सोकर खुश थी अपना सामान नीचे रखने के बाद उसने बस उसे व्यवस्थित किया फिर चली भी गई हालांकि वह लैंडिंग के समय सौन्ग मियाओगे से टकरा गई हाय काव्या तुम किस छात्रावास के कमरे में रहती हो मियाओगे ने काव्या को देखते ही उससे पूछा कमरा पांच सौ आठ आप कैसे काव्या ने, ने सदमे में अपनी आंखें गोल कर ली मैं भी मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हम एक ही छात्रावास के कमरे में रहते हैं हमारा दोस्त बनना तय है मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा लेकिन अप्रत्याशित रूप से हम रूममेट्स हैं सॉन्ग मियाओगे वास्तव में खुश था काव्या की उपलब्धियों के कारण वह उसकी प्रशंसा करती थी और उसका आदर करती थी वह हमेशा काव्या से दोस्ती करना चाहती थी हालांकि काव्या से यह उसकी पहली मुलाकात थी इसलिए उसने उसका फ़ोन नंबर या वीचैट आईडी नहीं मांगी ये सुनकर काव्या भी थोड़ा हैरान हो गई वाह मुझे लगता है किस्मत ने हमें साथ ला दिया यह वास्तव में भाग्य ही था जो उन्हें एक साथ लाया छात्र मिश्रित और मेल खाते थे हालांकि वे एक ही छात्रावास के कमरे में रहते थे फिर भी वे अलग अलग वर्गों से हो सकते हैं दरअसल उनका मिलान उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार किया गया था आमतौर पर एक ही छात्रावास के कमरे में रहने वाले छात्र समान सामाजिक स्थिति वाले परिवारों से होते थे इसलिए काव्या को यकीन था कि सौम्याओगे एक साधारण परिवार से नहीं हो सकता जहां तक उसके अन्य दो रूममेट्स की बात है उनका भी या तो एक अमीर या शक्तिशाली परिवार होगा ओह क्या आप बाद में फ्री हैं यदि आप हैं तो हम एक साथ भोजन करने क्यों नहीं जाते काव्या ने कहा उस पर सोम मियाओगे की अच्छी छाप थी और वे अगले साल एक ही छात्रावास के कमरे में बिताएंगे इसलिए अगर वे करीब हो सके तो यह कोई बुरी बात नहीं थी वास्तव में क्या मैं आपके साथ भोजन कर सकता हूं यह सुनकर सोम मियाओगे उत्साहित हो गया उसने इसे स्पष्ट रूप से सुना लेकिन उसने फिर भी काव्या से वह प्रश्न पूछा क्योंकि उसे डर था कि यह सिर्फ़ एक शिष्टाचार था अगर वह सचमुच सहमत हो गई तो काव्या को शर्मिंदा होना पड़ सकता है बिल्कुल काव्या ने सोम न्याओगे की चिंताओं को समझा इसलिए उसने उसे एक गंभीर मुस्कान दी आश्चर्यजनक मैं बाद में मुक्त हो जाऊंगा कृपया एक सेकंड रुकें। मैं पहले अपना सूटकेस नीचे रखने जाऊंगा एक बार जब सोम न्याओगे ने यह सुनिश्चित कर लिया कि काव्या वास्तव में उसके साथ भोजन करने जा रही है तो उसने छात्रावास के कमरे की ओर भागते हुए अपना सूटकेस निकाला वह काव्या और उसकी सहेलियों को अपने लिए इंतज़ार नहीं कराना चाहती थी मुझे लगता है कि है, सोंग मियाओगे मनमोहक है चूपेहान सोंग मियाओगे की प्रतिक्रिया से चकित था हम एक ही छात्रावास के कमरे में रहेंगे और वह एक बहुत अच्छी लड़की है अगर हम अच्छे दोस्त बन सके तो बेहतर होगा काव्या ने कहा फिर उसने अपने दोस्तों को याद दिलाया आप सभी को भी इसे ध्यान में रखना चाहिए जितना संभव हो उतने मित्र बनाएं और अनावश्यक परेशानी में न फंसने के लिए शत्रु रखने से बचें मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको अपमान सहना चाहिए लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए यदि कोई तुम्हें परेशान करने का साहस करता है तो मुस्कुराओ मत और इसे सहन करो जरूर हम समझते हैं चू पेहान और यू मिक्सी ने सिर हिलाया एक मिनट के भीतर सौंग मियाओगे ने अपना सूटकेस छात्रावास के कमरे में छोड़ दिया और उनके साथ नीचे जाने के लिए चली गई आप क्या खाना पसंद करते हैं काव्या ने सौंग मियाओगे से पूछा चूँकि उसने सोम मियाओगे के लिए भोजन खरीदने का प्रस्ताव रखा था इसलिए उसे उसकी राय पूछनी चाहिए मैं मीन मेक निकालने वाला नहीं हूँ आप निर्णय ले सकते हैं सोमयाओगे ने कहा उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी रास्ते में काव्या को उस कृषक की हवा महसूस हो रही थी जो उसका पीछा कर रहा था वह तब तक नहीं गया जब तक वह और उसकी सहेलिया परिसर से बाहर नहीं निकल गई क्योंकि कृषक को पहले से ही पता चल गया था कि काव्या किस विश्वविद्यालय में पढ़ेगी और उसे उसकी कक्षा और छात्रावास कक्ष भी पता था वह भविष्य में उसे आसानी से ढूंढ सकता था जब तक वह स्कूल आती थी इसलिए उसने उसका पीछा करना जारी रखने की जहमत नहीं उठाई आखिरकार भले ही वह उसका पीछा करता रहे उसके पास उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं होगा काव्या और उसके दोस्त ज्यादा दूर नहीं गए और इसके पास के एक में भोजन करने का विकल्प चुना उन्होंने अपने स्कूल के पास भोजन किया इसलिए रेस्तरा में कैपिटल यूनिवर्सिटी थे वे अपने स्कूल की खबरों के बारे में बात करने में व्यस्त थे कुछ खबरें काव्या के बारे में थी तो कुछ अन्य लोगों के बारे में इस वर्ष की शीर्ष स्कोरर काव्या आज नामांकन करने आई थी आने के कुछ ही समय बाद कला विभाग के उप मंत्री युवान शुयान के साथ उनका विवाद हो गया काव्या वाकई बोल्ड है क्या उसे डर नहीं है कि युआन शुयान उसे वापस भुगतान करेगा आखिरकार युआन शुयान का जन्म राजधानी के युआन परिवार में हुआ था एक बार जब काव्या और उसकी सहेलियां अंदर गई तो उन्होंने अगली मेज पर बैठे छात्रों को चर्चा करते हुए सुना युआन परिवार काव्या ने सही अनुमान लगाया था निश्चित रूप से क्योंकि उसने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था अब उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ हालांकि चू पेहान और उसके अन्य दोस्त आश्चर्यचकित थे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युआन शुयान का जन्म इतने शक्तिशाली परिवार में हुआ था फिर भी उन्हें काव्या की सुरक्षा की चिंता नहीं थी क्योंकि काव्या बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी युआन शुयान को युआन परिवार का समर्थन प्राप्त था और काव्या को तांग परिवार का समर्थन प्राप्त था हालांकि टैन परिवार सिटी बी में था लेकिन यह राजधानी के चार प्रमुख परिवारों जितना ही शक्तिशाली और प्रभावशाली था यदि युवान परिवार ने काव्या का फायदा उठाने की हिम्मत की तो ताम परिवार उसे इससे दूर नहीं जाने देगा वे जानते थे कि शक्तिशाली परिवारों को क्या नहीं करना चाहिए वे कभी भी अपने समान स्तर के अन्य शक्तिशाली परिवारों से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते थे यदि समान स्तर के दो शक्तिशाली परिवार एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने लगे तो कोई विजेता नहीं होगा परिणामस्वरूप उन्होंने नहीं सोचा था कि युवान परिवार सिर्फ युवा श्रुयान के लिए काव्या को दंडित करेगा अहम शर्त यह थी कि उन्हें काव्या की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता होना चाहिए तांग परिवार के अलावा काव्या को लेंग शाउटिंग की भी मदद मिली काव्या के दोस्तों को लेंग शाउटिंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता था लेकिन वे जानते थे कि वह एक प्रमुख जनरल था तदनुसार वह भी एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए उस स्थिति में युआन परिवार को काव्या को चोट पहुंचाने के लिए कार्रवाई करने से पहले दो बार सोचना होगा यह काव्या और युआन शुयान के बीच एक महत्वहीन शिकायत थी यदि युआन शुयान काव्या को हराने में विफल रहा और हार मानने को तैयार नहीं था तो देरसबेर युआन परिवार को भी इस स्थिति में घसीट लिया जाएगा एक शक्तिशाली परिवार अपने चेहरे की बहुत परवाह करता था इसलिए वह अन्य लोगों को अपने सदस्यों का फायदा उठाने की अनुमति नहीं देता था यदि उसका समान स्तर के किसी अन्य शक्तिशाली परिवार से सामना होता तो वह इसे गंभीरता से नहीं लेता लेकिन वह कमजोरों को दंडित करने में संकोच नहीं करता इसके अलावा काव्या को किंग ज्ञान का भी समर्थन प्राप्त था हालांकि किसी ने उसे नहीं बताया लेकिन काव्या देख सकती थी कि सीटू ये उसे पसंद करती है इसलिए अगर किसी ने उसे धमकाने की हिम्मत की तो सीटू ये निश्चित रूप से कुछ करेगी दरअसल अगर काव्या का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो चू पेहान को उम्मीद होती कि काव्या सीटू ये के साथ रह सकती है सॉन्ग मियाओगे जो काव्या के संबंधों को नहीं जानता था उसे उसके बारे में चिंता महसूस हुई काव्या अपने साथियों के बीच बहुत उत्कृष्ट थी लेकिन उसकी तुलना युवान परिवार से नहीं की जा सकती थी इसके अलावा सत्ता हमेशा धन से अधिक प्रभावशाली रही है भले ही काव्या बहुत अमीर थी सत्ता के समर्थन के बिना युवान परिवार के लिए उसके खिलाफ़ योजना बनाना बहुत आसान होता हालांकि यह काव्या का अपना मामला था इसलिए चिंतित होते हुए भी उसने कुछ नहीं कहा वह काव्या की रक्षा करने को तैयार थी लेकिन फिलहाल वे करीब नहीं थे काव्या के लिए युवान परिवार को नाराज करना उसके पिता के लिए असंभव था परिणाम स्वरूप सोम सोम्याओगी इसके बारे में कुछ नहीं कर सका आप मेनू पढ़ सकते हैं और जो भी आप खाना चाहते हैं उसे ऑर्डर कर सकते हैं संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है काव्या ने कहा उसने मेनू सबसे पहले सोंग मियाओगे को सौंपा वह उस चर्चा के बारे में कम परवाह नहीं कर सकती थी जो उसने अभी सुनी थी सोंग मियाओगे अन्य लोगों के भावों को देखने में उत्कृष्ट था चूंकि काव्या और काव्या के दोस्तों ने युवाओं परिवार के बारे में सुनकर कोई चिंता नहीं दिखाई इसलिए उसे एहसास हुआ कि काव्या उससे भी अधिक प्रभावशाली हो सकती है जितना उसने सोचा था वह नहीं जानती थी कि काव्या कितनी प्रभावशाली थी लेकिन काव्या कम से कम युवा परिवार से नहीं डरती थी उनका मानना था कि काव्या कोई घमंडी या भोली लड़की नहीं थी जो कुछ सफलता हासिल करने के बाद अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचती हो यदि काव्या होती तो वह अधिक से अधिक सफल नहीं हो पाती सोंग मियाओगे ने मेनू लिया और अपने दो पसंदीदा ऑर्डर किए बाकी लोगों ने भी कुछ ऑर्डर किया अगली टेबल पर बैठे छात्रों ने युआन श्रियान के बारे में बात करना बंद नहीं किया